नेपाल नेपाल और इंडिया और उत्तर प्रदेश तीनों के बिहार के और नेपाल के और उत्तर प्रदेश के कॉर्नर पर ये स्थान पड़ा हुआ। और नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। आज मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश और बिहार के बिहार बॉर्डर इसको मानते हैं और ये पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर पे जिसका नाम देशों में नहीं बल्कि विदेशों में चर्चित है और मैं आज यहाँ पर आया हूँ इसके बारे में जानने के लिए। और यहाँ पे कुछ यहाँ के साधु संत लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा और पूरी मंदिर का यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे मंदिर किस तरीके से और यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या परेशानियाँ लोगों को होती है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ से मैं पूछताछ भी करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक साधु संत जी हैं, इनसे थोड़ी सी मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मस्त रहा देखा ये स्थान के विषय। आज के स्थान पहले जंगल में रहे, जंगल में रहने के बाद वीरान जंगल रहे, कहीं कुछ आवागमन केहू ना होके ये बेरा तो हम तू लौकत नहीं जा, लेकिन वह बेरा केहू नहीं लौके, ये बेरा सब लोग जंगल छोड़ के भाग जाए। एक महात्मा बूढ़े महंत जो बाबा हरिचरण दास थे वहीं घर थे, हरदयाल दास वहीं थे। और उसके बाद में ये जंगल को काटे और सफाई किए और भगवती को स्थान को साफ सुथरा करके उसके बाद मदनपुर देवी के नाम से ये आज भी विख्यात है, पूरे विश्व तक पहुंच रहा है ये स्थान। यहाँ से विदेश लोग जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हमारा मदनपुर माई का स्थान है। इंडिया और नेपाल, नेपाल और इंडिया और उत्तर प्रदेश तीनों के बिहार के और नेपाल के और उत्तर प्रदेश के कॉर्नर पर ये स्थान पड़ा हुआ है। यहाँ से 40 किलोमीटर नेपाल की दूरी है और यहाँ से सीधे 4-5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और ये बिहार के शुरुआत पर है। ये पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है, पश्चिम चंपारण अपर जिला बगहा होने जा रहा है। अच्छा, पुलिस जिला इस समय बगहा लिखा रहा है लेकिन ये पश्चिमी चंपारण में है। और उसके बाद यहाँ आज तक बिजली नहीं आया, यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ यात्री निवास नहीं है, यही सब परेशानी है। आज तक सारे अफसर आते हैं जाते हैं, हो जाएगा बाबा लेकिन कुछ नहीं। आज महंत हमारे ललन दास जी हैं तो ललन दास जी सीधे संत हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी से क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कोई नहीं। बुर्बक आदमी है, सीधा उन्हीं की महंती दे करके बूढ़े बाबा गए और आज वही महंत हैं वर्तमान में। और देवी के स्थान आप तो मीडिया चैनल है, आप आदमी है इसको और अपने ढंग से बना लीजिए और बना करके उसको निकालिए। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद से यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यात्रियों का यहाँ पे रहने का स्थान जो है यहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ी एक समस्या है कि ये एक मंदिर है और यहाँ पे किसी प्रकार का शौचालय नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर के श्रद्धालु आते हैं और उनको कहीं ना कहीं समस्या होती होगी, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और कहा जाता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री भाषण देते हैं कि मैं ये विकास करूँगा और बहुत सारे चीज़ें बोल के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे आगे से दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ का जो गेट है और यहाँ का जो गेट है, यहाँ पे दो शेर का मूर्ति बैठाया गया है, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ का जो गेट आप देख सकते हैं, मंदिर है अंदर का। और यहाँ पे आइए, आपको अंदर की भी जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं और चारों तरफ से घूमते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे बिजली यहाँ पे नहीं है, काफी दिक्कत होती है यहाँ के लोगों को। और यहाँ भी कुछ मेरे साधु संत लोग हैं, इनसे भी थोड़ी सी पूछताछ करूंगा और यहाँ पे क्या क्या समस्याएं होती है। यहाँ यही है कि बहुत दूर दूर से पब्लिक आते हैं, तो शक्तिपीठ है, जो मंगल मांगते हैं माता पूरा कर देती है, फिर पब्लिक आते हैं अपना मन्नत मांगते हैं, वही जो माँ ने उनको आशीर्वाद देती हैं
यहाँ पे मंत्री भी लोग आते होंगे, बहुत बड़े बड़े भाषण करके जाते होंगे कि मैं ये सुविधा दिला दूंगा वो सुविधा, लेकिन क्या है यहाँ पे कोई सुविधा मिल रहा है? सुविधा कह कर जाते हैं, कोई पूरा नहीं करता। अच्छा, कोई पूरा नहीं करता है। चलिए, यानी यहाँ पे काफी मंत्री लोग आते हैं अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ की जो विकट स्थिति है वो सुधार करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता है। आपका नेपाल और ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार, यानी तीनों को मिलाकर के यहाँ पे ये मंदिर स्थापित है। और यहाँ पे इधर से भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग आते हैं अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे खींचते हैं, जला करके यहाँ पे रखते हैं। और इधर से भी मैं आपको दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा कि यहाँ पे किस तरीके की समस्याएं होती हैं और लोग किस तरीके, देखिए ये मंदिर का दशा है, दिशा है, किस तरीके से टूटा हुआ है। अभी इसका कोई गारंटी नहीं है, इधर भी आप थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे देखिए कोई इसका गारंटी नहीं है कब यहाँ से नीचे चला जाएगा और कब यहाँ पे दुर्घटना भी हो जाएगा, यहाँ पे किसी को मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार और क्या नाम है कि बिहार के विधायक जो भी लोग हैं नेता, यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ होती है। और यहाँ के पुलिस जो लोग आए हुए हैं इनसे भी थोड़ी सी मैं पूछताछ करूँगा कि यहाँ पे कितनी भीड़ लगती है। और यहाँ पे काफी दुकान भी है, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं। ये पहली बार आया है कि और इससे पहले भी आया है कभी? पहली बार आया है। चलिए, यानी ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और यहाँ पे दुकानदार भी लोग हैं, दुकान को अभी खोले हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका टाइम हो रहा है 4:53। और थोड़ी सी मैं इनसे भी पूछताछ करूँगा, बात करूँगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे किस तरीके की समस्याएँ होती है? यहाँ की समस्या भैया यही है कि जलने के बंद विभाग ना रास्ता बनने देता है ना दुकान को चलने देता है। सर इन लोग इतना पहले अफसर आए नहीं, कोई अफसर इतना तंग नहीं करते थे, अभी लोग तंग करते हैं। हम लोग जी रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इसी में तंग करते हैं जी। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस मंदिर की वजह से अपने जीवन यापन करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो वन विभाग अधिकारी हैं इन लोगों को काफी तंग करते हैं और परेशान करते हैं और यहाँ पे काफी समस्याएं भी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कितनी भीड़ लगती होंगी आपके हिसाब से? भीड़ बहुत, लाखों हजारों में भीड़ लगती है, इस समय बहुत मायने लाखों हजारों में। अच्छा, यानी यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ लगती है यहाँ पे इस मंदिर पे। अब सोच के देखिए, इस मंदिर का इतना प्रचलित है कि यहाँ पे लाखों की भीड़ लगती है, लेकिन फिर भी वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे इन लोगों को दिक्कत खड़ा करते हैं और बोलते हैं ताकि ये लोग अपनी दुकान न चला पाए। तो चलिए, यहाँ के जो महंत जी हैं थोड़ी उनसे भी मैं पूछताछ करूँगा। और वो अपने कुटी में रहते हैं, वो उनकी एक निवास बना हुआ है और वहाँ पे मैं आपको कि मैंने इनके निवास पे आया हूँ और इस मंदिर का जो स्थापना किए थे और जिनके रख रखाव में ये मंदिर बना था उनका नाम है बाबा श्री हरिश्चंद्र दास कुटी, यानी उनकी कुटी में मैं आया हूँ। और आइए, मैं उनका एक यहाँ पे मूर्ति के रूप में इस मूर्ति बैठाया गया है, मैं वो भी दिखाऊंगा। यही ये महंत जी है जो इस मंदिर का, थोड़ा नजदीक से कवर कीजिए, ये यही महंत जी हैं जो इस मंदिर का निर्माण किए और अकेले ही यहाँ पे काफी जंगलों में ये घिरा हुआ था, यहाँ पे उन्होंने इसका निर्माण किया और आज यहाँ पे लाखों की भीड़ लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की थोड़ा सा दिशा और दृश्य दोनों दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से है यहाँ पे, ये वो साला बंद था, अधूरा है। ये देखिए, ये काफी दिनों से बंद रहा है लेकिन फिर भी आज भी ये पड़ा हुआ है, रोक रहा है वन विभाग के तरफ से, इसे रोका जा रहा है। वन विभाग का जमीन नहीं, ये वन विभाग का भी जमीन नहीं है, फिर भी इसे रोका जा रहा है। यहाँ के जो साधु संत लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के जो वन विभाग अधिकारी है यहाँ पे काफी परेशान कर रहा है। यही परेशानी। चलिए, कहाँ पे हैं महंत जी? महंत जी तो यही हैं। अच्छा, आप ही हैं उसके बाद से? अच्छा, चलिए आप बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या रहा, थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे जितने दर्शक हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है, क्यों ये प्रसिद्ध हुआ। यहाँ इतिहास रहा कि बूढ़ पुरनिया जंगल में भाजी खोटे गए महारानी पारघट बनी हुई है, कल हमारे माथा में पहले ढील हेर दस तो थोड़ा दूर
गईली तो कहलिए खाजी बांधल तो दूनू लड़की के बांध डाल तब कहली तो तुहन के घरे चौक उपाद दे तब कहली कि कुछ मांगस हमारा से तो दूनू कुआरी लड़की रही से कहली हम कहो बेटा चाहे तो रसू गुरु और धीमा गुरु दूनू लड़किन से बच्चा हो गए न महारानी खुद लगली पोस पोसल पोसल जब दस बारह बरस हो गए न लोग तो कतरा एगो घास होला वही के काट के कहनी बागे से दामस हो तो बासमती बहरनी निकल खाना जगह मदन सिंह एक जाने राजा रहना कौड़ी लगना मांगे नहीं कौड़ी डाना थी अपन माई के देख लो तो राजा मदन सिंह जिद पकड़ना दोनों लड़कन के पाकड़वा लहना आ तब महारानी चल दिए हिंगला से चलल कलकत्ता आई कलकत्ता से पटना आई परजीरवा आई थाने आई खरवारे अंतिम समय लास्ट हो गए। अच्छा ये मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? मदन सिंह राजा से। मदन सिंह राजा से मंदिर प्रसिद्ध हुआ? हाँ हाँ। चलिए वो करे बाद में वो करिए पूरा खानदान खत्म हो गई तो एगो लड़की बचल रहा बाढ़ गाँव में मायका में नरे गई है ओकरे जोर से पूरा बाढ़ गाँव के खानदानी चल। अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है काफी दिक्कतें होती हैं, लाइट की सुविधा नहीं है, वन विभाग लाइट नहीं देता है। आप लोग कभी आगे तब गए कि इसकी बात से बात किए बहुत बहुत बात किए कितने कितने कोई नहीं सुनता कह तो वन विभाग में लाइन नहीं दिया जाएगा हर कुटी पर लाइन हो गया जी ऐसी में है राजगढ़ी लाइन हो गया नॉर्थ देवी लाइन नॉर्थ देवी यही नेपाल के किनारे में है जी। और उसमें भी लाइन है ना इधर नवरंगिया थाना के अगल में एक राजगढ़ी जटाशंकर भी लाइन तार जटाशंकर भी बा जटाशंकर बा कौलेश्वर बा सब नॉर्थ देवी बा बाकी खाली ये मदनपुर लाइन नहीं देता ये जा मुंडन के राज बाकी मुंडा तहस नहस कर अपना कारखाने के चमचा। और चलिए यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, मैंने पहले ही बताया और अभी भी मैं वही बता रहा हूँ कि लाइट की सुविधा नहीं है। हर जगह मंदिर पे सुविधा दिया जा रहा है लेकिन यहाँ पे अभी सरकार को मैं दोषी ठहराऊं या यहाँ के विधायक को, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है किसको मैं बोलूं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ के सरकार से कि इस मंदिर पे लाइट का व्यवस्था जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं अगर लाइट नहीं रहेगा तो इन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगा, काफी दिक्कतों का सामना। जंगली जानवर से डर लगता है, यहाँ पे जंगली जानवरों से भी इन लोगों को डर लगता है, तो कहने की लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी अपने आप में ये मंदिर बन चुका है। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही नहीं, शायद काफी दूर दूर से नेपाल से भी लोग आते हैं इसको दर्शन करने के लिए, से यूपी से बिहार से, यानी हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं इस यहाँ पे दर्शन करने के लिए और मनोकामनाएं लोग मांगते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती है। नेपाल यहाँ से 20 किलोमीटर से मांगता सबके मनोकामना। चलिए यहाँ से नेपाल भी 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे जो भी मंगन लोग मांगते हैं एक अपनी श्रद्धा लेके आते हैं उनकी जो मांग होती है और यहाँ पे पूरी होती है, ऐसा यहाँ पे जो साधु संत और महंत जी हैं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जो दिक्कतें आ रही हैं और सरकार से मैं यही कहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था को ठीक कराएं और यहाँ पे जो लाइट की सुविधा है और जितने हमारे यहाँ पे लोग आते हैं श्रद्धांजलि उन लोग को भी शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए।